भैया जरा मदद करा दें, जब तक देखिए कैसे करा रहे हैं मदद। विकास कल्याण है दोनों है, परेशान हो रहे हैं। देखिए सोची समझी साजिश नहीं थी ये, भैया जानबूझ के नहीं किया है। चलिए भैया, जो इनने कारनामा करके दिखाया वो किसी ने ना किया होगा शायद। भैया ओ भैया, अरे भैया कुंभकर्ण जी, क्या हाल चाल है भैया जनाब? अरे कैसे हैं? रांची रोड तक जाते जाते कितने गड्ढे देख लेते हो भाई? लोग बता रहे हैं कितने भाई? 50 कुछ भी अंदाजन बताओ। 50 विकास है दोनों साक्षात बड़े विकास कर ले। कहाँ से आ रहे थे? अरे यार आपने न्यूज दे दी, क्या करें हम बताओ? कंटेनर में ही गाड़ी खिंचवाई, बताओ यार। सरकार को जब वोट दिया था तब तो नहीं कहा कि ये सड़क आके बनाओ पहले, फिर हम वोट देंगे। अगर क्या मदद करा रहे हो? चलो भैया जरा मदद करा दें, जब तक देखिए कैसे करा रहे हैं मदद। विकास कल्याण है दोनों है, परेशान हो रहे हैं। देखिए सोची समझी साजिश नहीं थी ये, भैया जानबूझ के नहीं किया है। चलिए यहाँ आए काहे के लिए? अरे रिवर्स गियर नहीं है क्या इसमें? अच्छा पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद आपकी गाड़ी आत्महत्या करने की कोशिश तो नहीं कर रही है? देखिए पत्रकार ने पत्रकार की मदद करी है लेकिन झूठे गवाही दे रहे हैं। विकास और कल्याण कुछ ऐसे ही हालत हो रखी है। कौन सा गाना याद आ रहा है भाई साल? कौन सा भाई? गा के सुना दो एक गाना। एक गाना सुना दो यार, मदद कराइए, गाना तो सुना दो। इस सिचुएशन में जो भी गाना याद आए भाई, इस सिचुएशन में जो भी याद आ रहा हो भाई, गाना एक तो हो जाए। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, हमें तो अपनों ने लूटा। फिर आगे मेरी किस्ती थी, क्या बच गया? पैर दिखाइए भैया, शाही स्नान करके आ रहे हैं। इतने ताल हैं, लगभग 50 ताला हैं, तलैया है अगर मैं गलत ना हो तो। फिर भी आपको यही मिली? ये तो ओके लाके आ ही जाएगा धोबी से। अगर यहाँ होर्डिंग ना हो ना तो रात में यहाँ कोई हो सकता है। सही बात है ना, अगर यहाँ कोई ना हो और रात में हो यहाँ पे कोई हो सकता है। तो देखिए ना यहाँ है कहाँ भैया, दिखाइए जरा कहाँ है। वो साइड में है, वो साइड कर रखा है, जबकि वो कहाँ होना चाहिए था? यहाँ पे लॉक करना चाहिए था, कहाँ भी यहाँ पे लॉक होना चाहिए था लेकिन किया नहीं। किसकी जिम्मेदारी थी करना? बहुत ज्यादा पेट्रोल वाला कोई नहीं चलता। जिम्मेदारी किसकी थी करना ये तो बताओ? उनकी ड्यूटी है। किनकी थी ड्यूटी बताओ? काम चलता सामने क्या? अच्छा बता दो सामने क्या है? निगम है। क्या है? नगर निगम। और नगर निगम के सामने क्या है? गड्ढा। यही तो विकास है, यही है विकास। और ये कल्याण है, मास्क लगा ले रहे भैया। अब आपने लगा बोल दिया तो हमने लगा लिया। मास्क लगाइए ना, मास्क लगाए अभी गड्ढे में मदद। जब फंसे थे तब तो मास्क याद नहीं आ रहा था, तब कह रहे थे भैया मदद कर दो। उसी वाले फंसा है तो भाई मुझे ने कहा मेरे डाल। हां जब व्यक्ति उसको तो फंसता है तभी हमें याद आती है। ठीक वैसे ही सरकारों की हालत, जब वो मुसीबत में होती है या इस तरह डूबने की कगार में होती है और देखिए किस तरह टायर धो रहे हैं कगार में होती है, तब उन्हें जनता की याद आती है। 2024 में शायद जनता को याद आ जाए क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। हम बैग उठा लें अपना और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे वीडियो बना आगे चलते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा ये हालात है तीन पत्ती के भाई साहब, ये हालात आप देख सकते हैं। ये गड्ढा खुदा हुआ था, वो डंपर खड़ा हुआ है, कीचड़ निकला है, ये जेसीबी खड़ी हुई है। आइए मैं और अच्छा आपको दिखाता हूँ। खास है भैया थोड़ा सीधना पड़ेगा कैमरा मैन साहब हमारे। भैया जो इनने कारनामा करके दिखाया वो किसी ने ना किया होगा शायद। भैया ओ भैया, अरे भैया कुंभकर्ण जी, क्या हाल चाल है भैया जनाब? अरे कैसे हैं? क्या नाम है आपका? क्या बंदूक? बंदूक
अच्छा बल्लू भैया, बल्लू भैया खुदाई सारी आप ही नहीं करी ये? किसने करी? ड्राइवर कौन था? रोड साफ कर रहे थे आप, तो ये करके आपने डाल दिया? कब से कर रहे हैं बल्लू भैया? आज ही आए? इसके पहले से जो कर रहे थे वो कहाँ कहाँ गए? अच्छा अभी आराम कर रहे थे, डिस्टर्ब कर दिया हमने आपको है? खाना ना खाए कि नहीं? खा लियो भरपेट। चलो फिर जुड़ जाओ काम में भाई। अरे टेंशन मत लीजिएगा भाई, ससुराल में नहीं जाएगा, बताइए क्या करते हैं आप? अच्छा आप साइड इंजीनियर हैं, किस तरह का काम हो रहा है इसमें भाई? तीन कपड़े चढ़ाना वो 15 दिन से मैं देख रहा हूँ, काम है क्या? काम हो रहा है, काम चल रहा है क्या काम है? इससे फायदा क्या होगा जनता को? सिल्वर लाइन चल रही, कितने इंच की पाइप डले हुए, कितनी मोटाई है? 500 का पाइप है। 500 का पाइप? 500 मतलब क्या? 500 क्या मतलब? डायल उसका, डायल उसका। अच्छा डायल उसका, ओके, मतलब गोलाई ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा कितने एरिया तक ये डाली गई है, लगभग कितने? अभी 500-600 फीट का, 500-600 मीटर मीटर तक, मतलब यहाँ से हम 3 पत्ती से बात करें तो वहाँ की तैयारी की जाती है, क्या हिदायतें रखी जाती है? चूँकि जनता भी लगातार परेशान हो रही है, क्या लगता है आपको? चूँकि एक ही रोड चालू है भैया, हम लोग काम कर रहे हैं, 4 दिन में काम खत्म हो जाए, हम लोगों को खुद लगता है। कितने दिन का लगभग टेंडर होता है जिसमें ये काम कंप्लीट होना चाहिए, 500-600 मीटर का एक अंदाजन? वो तो अपने पर डिपेंड करता है। कितने दिन में? अपन जितने फास्ट काम कर रहे हैं। अच्छा तो ये मलबा जो निकलता है, चूंकि यहाँ पे एक भाई साहब अभी आए थे फंस गए थे, तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई? सामने लगा तो जरूर दिया, बैरिकेडिंग लगी हुई है, 4-5 बैरिकेडिंग है। तो क्या लगता है जनता को कब तक लाभ मिल जाएगा इस सड़क का? बहुत हम लोग को लगता है जितने जल्दी फास्ट काम हो जाए उतना सही है हमारे लिए। चलिए ठीक है, बाकी लापरवाहियां तो नहीं हो रही कहीं से? भाई कोई लापरवाही नहीं है, बैरिकेडिंग बढ़िया पकाए काम कर रहे हैं। बाकी कोई नगर निगम सामने है, इधर से अधिकारी नहीं आते बार बार पूछने की भैया हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल आते हैं। क्या कहते हैं आप, कैसे मैनेज करते हैं? उनको पता है कि भाई काम ऐसा है, एक दिन बहुत सारा सही हो जाता है, कभी सही हो जाता है, मतलब कोई मतलब परेशानी ना आए, वो तो काम जल्दी ये पैक हो जाएगा बहुत जल्दी। रांची रोड तक जाते जाते कितने घंटे देख लेते हो भाई? लोग कितने भाई? 50 इसके अंदाजन बताओ भाई। 50 सबसे अच्छी रोड कौन सी लगी? जहाँ पहले वहाँ बताओ कौन सी सबसे अच्छी रोड है? ये भी बच्चे से रांची, ये तो खुद ही जा रहा है। अच्छा ये रोड जो देख रही है ये शास्त्री बेची हो जाती है, आज तो खुद ही देखी सबसे? नहीं देखी साल।